सीकर जिले में रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता, ऑक्सीजन की उपलब्धता और अन्य कोविड केयर उपायों को लेकर के रविवार को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीकर जिले में किसी भी संसाधन की कमी इलाज के लिए नहीं आने दी जाएगी। इस दौरान शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट करने वाले भामाशाहों का भी आभार जताया। उल्लेखनीय है कि रविवार को गुंगारा निवासी अनिल धीमा और नितेश जांगिर ने 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए। इस दौरान शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, भामाशाह और जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी मौजूद रहे। अनिल धीमा जी ने, जांगिर साहब ने और इनके परिवार ने जो 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे भामाशाह इस वक्त में आगे आए और लोगों की जान कैसे बचे इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अपनी जन्मभूमि से दूर जा कर के एक पाई पाई कमाई करते हैं और उसके बाद में अगर अपनी मातृभूमि के लिए अगर कोई इस समय में मदद करता है तो वो बहुत ही साधुवाद का पात्र है। मैं धीमा जी को, जांगिर साहब को, इनके पिताजी को, उनके मित्र मंडलियों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रदेश की तरफ से भी और जिला प्रशासन की तरफ से भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि लोगों के कैसे जान बचे। हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मदद करके और हम लोगों की जान बचाएँ। आज जिला प्रशासन के साथ मेरी बैठक हुई है, जिला कलेक्टर महोदय, CMHO सबसे बात हुई है, जयपुर बात हुई है, रेमडेसिविर जो हमारे इंजेक्शन हैं वो आज पर्याप्त हैं, कल के लिए हमने अलॉट करा लिए हैं, वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा सीकर जिले को मिले इसका प्रयास हमारी तरफ से किया जा रहा है। दूसरा जो ऑक्सीजन है, वो जो रिंगस हमारा लिक्विड आ रहा है उसको कोटा को बढ़ाया जा रहा है। सीकर जिले में नीम का थाना, लक्ष्मणगढ़ और जो हमारा रिंगस आदि जो भी कोविड सेंटर है वो हम जो प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी चालू हो। एक तरीके से जाजोद का तो चालू हो गया है, वो हमने एडमिशन चालू कर दिए हैं, लोगों को भर्ती हम ले रहे हैं। और दिल्ली से जो सामान हमने विधायक कोटे से 32 लाख रुपए दिए थे उसका तकरीबन आ गया है। जयपुर से जो सामान आना है सरकार की तरफ से, चिकित्सा विभाग की तरफ से, उससे मेरी अभी आलोक रंजन जी IAS हैं जो इंचार्ज हैं उनसे मेरी बात हुई है, वो आज लोड करा रहे हैं, सामान रात तक हमारे पास में सीकर में आ जाएगा। मैं समझता हूँ अन्य जो लोग हैं, भामाशाह हैं, जो उद्यमी हैं, वो आगे आएँ, समाज से भी आगे आएँ और ऐसे समय में हम पूरे प्रदेश में लोगों की जान बचाएँ और सीकर ज़िले को इस कोरोना संक्रमण से रोकने के लिए अव्वल ज़िला बनाएँ। मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत शानदार तरीके से स्वयं ADM, CEO सब कोरोना हो गए लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया काम को। सावली के डॉक्टर्स की और समस्या थी कि वहाँ पर जो पियोन है वो कम है, तो पियोन्स के लिए हमने जिला कलेक्टर को अभी कहा है कि अन्य विभागों से, चाहे वो शिक्षा विभाग के हों चाहे कोई भी हों, जो कर्मचारी जिन्होंने वैक्सीन लगा ली है उनको आप प्राथमिकता के साथ में वहाँ पर ले आएँ, चाहे नगर पालिकाओं से इधर उधर से अगर सफाई कर्मियों को बुलाना पड़े तो उसको बुलाएं। लेकिन सावली के जो कोविड सेंटर है उसकी व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक भी व्यक्ति की जान नहीं जाए ये हमारा प्रयास होना चाहिए। इस प्रयास में जिला प्रशासन और तमाम जनप्रतिनिधि, सब लोग, मीडिया के बंधु भी सहयोग पूरा बराबर कर रहे हैं, सब लोग हम जुटे हुए हैं। तो मैं पुनः धीमा जी को, जांगिर साहब को, इनकी टीम को, इनके मित्र मंडलियों को धन्यवाद देना चाहता हूं और प्रशासन को भी ये कहना चाहता हूं कि आप वास्तव में अच्छा काम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करें। भास्कर पत्रिका और तमाम जो न्यूज़ चैनल हैं या जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके लिए भी हमने कहा है कि कल उनकी साइट के ऊपर जा करके वैक्सीन लगाएँ जिससे उन लोगों को भी वैक्सीन लगने से, कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। तो हम सब लोग मिल कर के, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, सब मिल कर के एक प्रयास कर रहे हैं कि हमारे ज़िले में कोई भी मौत नहीं हो, ये हमारा प्रयास रहना चाहिए। आप जो ये हैं, मैं अनिल दीवान सीकर ज़िले के ग्राम गुंगारा का निवासी हूँ। मैं और मेरे साथी नितेश जांगिर, वो भी गुंगारा के निवासी हैं, दोनों मिलके 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दे रहे हैं जिसमें 5 लीटर और 10 लीटर के दोनों ही कैपेसिटी के शामिल हैं। और हमारा ध्येय ये है कि अभी के जो हालात चल रहे हैं, इन हालातों में ऑक्सीजन की सबसे बड़ी समस्या है और
अगर ऑक्सीजन की किसी भी कंडीशन में सप्लाई बाधित होती है उस समय में ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बहुत सारी जिंदगियों को बचाने के लिए काम आएंगे। और साथ ही साथ मैं मेरे बाकी और युवा साथी और उद्यमियों से अपील करूँगा कि वो भी दान करें, और जो अपने सीकर की जितनी भी CHC हैं और सीकर का जो कोविड सेंटर है सावली का, उनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से इम्पावर करें कि किसी भी सिचुएशन में सप्लाई का अभाव हो तो उस कंडीशन में ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लोगों के जीवन को बचा सकें। आज माननीय मंत्री महोदय के प्रेरणा से श्री अनिल धीमा जी और श्री नितेश जांगीर जी ने हमारे ज़िले के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स दिए हैं 25, जिसमें 10 लीटर और 5 लीटर दोनों ही शामिल हैं। जैसा कि सब हमको पता ही है कि ये प्राप्त करने में आजकल कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं, अगर बजट की इशू नहीं भी है तो भी सप्लाई के इशूज़ कई तरह के आ रहे हैं, तो इसलिए मंत्री महोदय की प्रेरणा से जो इन्होंने दिया है तो हम उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। ये हमारे बहुत काम आएंगे। सामली में जो पेशेंट्स लगातार भर्ती हो रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन तो लगातार हम लोग इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन सिलेंडर्स की खपत कम भी होगी और ज़्यादा लोगों को हम सपोर्ट कर पाएंगे। साथ ही जो पेरिफेरी में नए सेंटर चालू कर रहे हैं हम लोग, उनमें से नीम का थाना और जाजोद में ऑलरेडी हमने कुछ पेशेंट्स को मैनेज किया भी है, संभालना शुरू भी कर दिया है, तो वहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेटर्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी हमको, इसलिए हमारे लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और मंत्री महोदय के द्वारा लगातार ऑक्सीजन का कोटा भी हमारा ज़िले का बढ़ाने के लिए स्टेट लेवल पर प्रयास किए जा रहे हैं, तो जैसा कि हम लोग शुरू से ही कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से किसी भी पेशेंट को हम लोग तकलीफ़ नहीं होने देंगे, और यही हमारा ध्येय है और इसी पर हम लगातार बने हुए हैं।